लिया, पेरेंट्स ने ताला लगा दिया, जब तक इस तरीके के मूवमेंट्स हमको नजर नहीं आएंगे या लीगल एक्शन कर दिया उनके खिलाफ, तब तक कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी बुरी हालत है। अभी मैं आपको एसएमसी की बात बताता हूँ, अभी बताएंगे एसएमसी में सत्यप्रकाश जी के एफर्ट से लोगों ने एप्लीकेशन ही दी जगह जगह, और गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला उससे भी लोगों ने एप्लीकेशन दी। सारे लोग वो चुने गए जो वहां के मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर से या आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लोगों के नाम होंगे। एक डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ने दिल्ली सरकार की बात नहीं मानी और अपने हिसाब से जो एप्लीकेशन आई थी उसमें जो उसको लगा कि पढ़ा लिखा बनता है उसको लगा दिया, उसका ट्रांसफर ही कर दिया, उसे डिप्टी डायरेक्टर के से दूसरी जगह भेज दिया उसने। सो काफी प्रेस किया, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी। तो ये हम लोग मतलब ये स्थिति फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बहुत ही हमें बहुत ही ना साइंटिफिक तरीके के अप्रोच की जरूरत है कि हमें इस सिस्टम को कैसे हिट करना है। जैसे साइंटिफिक अप्रोच में आपसे अगर हम लोग, मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट के पास हम जाते हैं और पेरेंट या बच्चे के पास और वो बताता है कि हमारे स्कूल में पानी नहीं है, और हम अगर उसको कहते हैं कि भाई आप एक कह रहे हो सेक्शन 80 का एक नोटिस है मैं बनाती हूँ, आप इसके ऊपर साइन करो, अभी ईमेल से मैं अभी 5 मिनट में भेजती हूँ इसको, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मना करेगा, क्योंकि उसी के तो इंटरेस्ट की बात है। लेकिन वही एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे कि पूरे सिस्टम को ना आप मतलब हिला सकते, तो उनको लगेगा यार ये तो नोटिस पे एक झिरका वाला जो था हमारा लू वाला, वो एक केस डालने से पूरी सरकार हिल गई है कि अगर ये सारे पेरेंट्स, उनको लगा कि इस तरीके के हजारों केस हमारे खिलाफ आ जाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे, हम फेस कैसे करेंगे। तो ऐसी मुझे लगता है सिचुएशन जो है ना हमें क्रिएट करने की जरूरत है, और इस यहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम एक एरिया ले लें 2 किलोमीटर का और वहां पे जाके हम चेक करें कि स्कूल में पानी नहीं है, जैसे हमारे ये यमुना विहार में दो घंटे की पढ़ाई हो रही है, तो मैंने वहां के लोगों को बोला था, मैंने कहा आप ये पेरेंट्स से जो लीगल नोटिस भेजवाओ, और उससे क्या है एक यूनिटी भी दिखेगी ना। अगर 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके मतलब 4,000 पेरेंट होंगे, 4,000 माता पिता को जाओगे तो 8 हो जाएंगे, तो अगर और जरूरत हो तो मतलब ये भी हो सकता है कि नोटिस पे माता का भी साइन करा दो, पिताजी की भी करा दो, इक्वल करा दो। तो अगर ये 4,000 लोग नोटिस भेजते हैं सरकार को तो नेचुरली, और एक कॉपी उसको देंगे हम जो भेज रहे हैं, वो भी 4 लोगों को दिखाएगा, देखो जी मैंने जो है ना ये मेरे साइन है और मैंने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा, मतलब उसके अंदर एक उत्साह पैदा करें, उसके अंदर एक जोश पैदा करें, उसके अंदर एक समझ पैदा करें, वो एक्शन में आए और हम उसके स्टैंड बाय होकर उसकी मदद करें। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इतनी साइंटिफिक है कि जैसे आर्किमिडीज ने पढ़ा था कहीं मैंने, कि वो कह रहा था मुझे एक लंबा सा डंडा दे दो और पृथ्वी के बाहर खड़े होने की कोई जगह दे दो तो मैं पृथ्वी को ही पलट दूंगा। तो ये एकदम कहने का मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है, बजाय फिलोसफिकल और भाषणबाजी ये वो छोड़कर, अगर हम किसी कमजोर नस के ऊपर टच करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली रिएक्शन जाएगा और सिस्टम बदलेगा, यही कहने का मतलब है।